सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहाड़ों के अंदर से। आप देख सकते हैं ये नज़ारा। अभी सुबह सुबह हो चुकी है, तकरीबन टाइम 6 बजे के करीब है ऐसे ही कुछ, और व्लॉग हमने स्टार्ट किया है। और बिलाल भाई अभी देखो वॉशरूम से आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। बिलाल भाई एक मिनट यहाँ पे आया ना जरा भाई, ये व्लॉग मेरा दिल जो है ना घाटन घाटन सा है। यहाँ बैठो। अच्छा अभी आप नाश्ता करके आए हो या वो फ्रेश होके? फ्रेश होके आया हूँ, अभी नाश्ता कहाँ है, अभी तो नाश्ता होगा। अच्छा बाकी कल से हम यहाँ पे हैं। कोई बात बोलेंगे आप जो यहाँ का मजा आपको आ रहा है, और कोई जो जो लोग यहाँ पे नहीं आए उनको यहाँ पे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपने क्या यहाँ से सीखा? यार देखे खाना तो माशाल्लाह जो हमने खाया, यानी कि इससे अच्छा भी हम घर में खा सकते हैं, मगर इसका जो खाने का जो मजा है ना, जो इससे अच्छा है उसमें नहीं है। ये देखो यहाँ पे हमने बनाया भाई। हाँ ऐसे ये हमारा जगह है भाई, सही है ना। इस जगह हमने कुछ तैयार किया, रेडी किया। अभी हम तो अभी बाहर निकलेंगे पहाड़ों की तरफ, कुदरत की जो खुदा की कुदरत देखेंगे, कुदरती नज़ारे देखेंगे हम। जैसे हमने कल जो देखा जगह है कैसा, अचानक हम जा रहे हैं और भी दिखाएंगे आगे। हाँ भाई टंडू भाई, वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक, ठीक ठाक है। आप कुछ बोलोगे अपने व्यूअर्स को? मैं यार आपको लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, उसके बाद हम जाएंगे लामकाम। अच्छा, और वहाँ पे तो आप बाहर का नज़ारा तो हम आपको दिखाई देंगे, तो जो अंदर का जो नज़ारा है ना वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ कि हमने नाश्ता सुबह 5 बजे कर लिया है, सही है? आप 5 बजे कहाँ, 3 बजे करवा दिया तुम लोगों ने। वो 3 बजे कर लिया, अभी हम नाश्ता नहीं कर सकते, हम फुल हैं, आगे जाके देखेंगे। तो आप जाके नाश्ता करो, जब तक हम लोग निकल रहे हैं। हमने निकाल के आया है ना, अभी निकाल के आया और भी डाल। चलो आप जाके नाश्ता करो, हम लोग निकलते हैं, आगे आपको मिलते हैं। टाइम नहीं है बिल्कुल भी धूप निकलने से पहले, एक दो पहाड़ क्रॉस करना है आज में। बाकी अभी रियान भाई अभी उठा, सही रात उसने डांस किया है, ये अभी उठा है और ये अपना सामान समेट रहे हैं ताकि कोई भी आके हमारी जगह कब्जा ना करे। तो आपको इंशाल्लाह सीधा लोकेशन में मिलते हैं। A few moments later. भाई भाई इधर नाश्ता करने बैठे हैं, ये नाश्ता हो रहा है, सही है। और गुरु भी बैठा हुआ है। मम्मी देखो बाकी नाश्ता कर रहे आपको मिलते हैं, सही है। अच्छा तो अभी अपने मंजिल के जाने दवा दवा हैं, शेखू हमारे साथ है, पीछे दोस्त यार आ रहे हैं, या मार्केट से निकलेंगे फिर जाएंगे रोड पे, फिर आपको दिखाएंगे। ऐसा ही है भाई, पहले वॉशरूम दिखाएंगे। आप फिर वॉशरूम जाओगे? मोशन हो रहा है क्यों? तो भाई मार्केट अभी बंद है, सुबह 7 बजे का टाइम है। नाश्ते में तो टाइम लग गया भाई, नाश्ता हमने किया होता है फिर दोबारा इन लोगों ने बोला नाश्ता करो, इसलिए करना पड़ा भाई। साथ है अब क्या करें, सब करना पड़ता है। तो अभी ये मार्केट से निकल के ये वॉशरूम जाएगा, फिर आगे आपको दिखाते हैं। भ्या भ्या भ्या। अच्छा तो मेन बात ये है कि वॉशरूम यहाँ पे आप जाओगे, अगर से छोटा करोगे तो लिखा हुआ 20 रुपये, और बड़ा करोगे 40 रुपये, उससे बड़ा करोगे मतलब अगर ना होगे तो 100 रुपये, सही है। यहाँ पे ये मुसल करोगे 250 रुपये, उससे बड़ा है, से बड़ा है। वो क्या है? 40 वाले से बड़ा गलत बन गया। 40 वाले से बड़ा क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, यही है बस, सही ना। बाकी आगे आपको अपडेट देते रहेंगे और क्या क्या यहाँ पे है। फिलहाल आपको फिलहाल वॉशरूम दिखाया कि वॉशरूम में यहाँ पे अगर आपको छोटा पेशाब भी आया तो 20 रुपये देना पड़ेगा, और दिन में 10 दफा आए देना पड़ेगा, ये माहौल है। दूसरी बात, आप जब भी नूरानी आए अपने साथ वॉशरूम लेके कमोड ले जाए। तो दूसरी बात ये है, वो आपको आगे बताऊंगा, जब तक भले ही मामू वॉशरूम से निकले इसका ही पेट सही है, फिर आपको आगे बताते हैं। ये है अर्ली मॉर्निंग का माहौल, सुबह की पहली किरण, और सारे किरण के आशिक। अभी सुबह लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, यही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अलीद भाई आप फ्रेश हो गए? फ्रेश हो गए। कितने आपने फ्रेश होने कितने पैसे दिए? 20 रुपये। 20 रुपये डबल नहीं किया मैंने, सिंगल किया।
सिंगल के 20 रुपए, डबल के? डबल के 50 रुपए। अच्छा भाई ये है, अभी आगे दिखाएंगे, भले थोड़ा सा और आगे चलेंगे आपको दिखाते रहेंगे। ये है भाई इंट्रेंस, यहाँ से लोग आते हैं, सही है, चेकिंग वगैरह अपना करा के फिर निकल जाते हैं, वो आगे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पार्किंग है। अच्छा गाइस, ये केकड़ा कहलाता है, मोहम्मद पकीर से दुरानी तक लेकर आता है ये मुसाफिरों को, और हमारी बाइकें यहाँ पे खड़ी हैं, वो वहाँ पे बाइक खड़ी है, सही है। और ये हम लोग केकड़ा पे नहीं है, हम लोग अपनी बाइक पे आए हैं, सही है, इसको कहते हैं केकड़ा। ये भाई लेकर आते हैं और फिर वापस जाते हैं, वहाँ पे छोड़ते भी हैं, वहाँ से लेकर भी आते हैं। लाल भाई ऐसा ही है, बिल्कुल। आपने कभी केकड़े का सफ़र किया? नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माहौल बहुत गड़बड़ है, क्योंकि कभी केकड़ा ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, ऐसा ना आप गिर जाओ, फिर पीरू कहाँ से लाएगा ऐसा नौजवान लड़का, बड़े मुश्किल से तो आपको हमने पाला, पाल बोल के बड़ा किया। तुमने किया? नहीं, आप मेरे भाई हो ना, जाहिर से मेरे भाई नहीं करेगा, कौन करेगा। तो भाई ये सुबह सुबह का माहौल है, लोग आ रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं लाउड करने, इंशाल्लाह वापस हम भी आएंगे। और ये पहाड़ है, पहाड़ों का मंजर है भाई, अभी हम लोग पहाड़ पे चढ़े ही नहीं है, अभी पहला रोड है जो यहाँ से हमें पहाड़ों पे चढ़ने का रास्ता देगा वो वहाँ पे, और ये आर्मी वाला पहले तक चुका है। तक क्यों गए तुम? तक नहीं गया था मैं, फिर बैठ गया रोड के पीछे, वो मजा ले रहा था रोड का, रिलैक्स कर रहे हो क्यों? बाकी सुकून वकून आ रहे हैं आपको? सुकून, बिल्कुल सुकून। अच्छा यार, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, रास्ता लंबा है तो बात करते चलेंगे। तो हमारे प्यारा दोस्त राहिल भाई यहाँ मौजूद नहीं है, आप सब लोगों से दुआ की अपील है, दरख्वास्त है, उनके लिए दुआएं करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े घरेलू मामलात हैं, अल्लाह पाक बेहतर करे। तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट ट्रिप में हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी ये देखो ये आ रहा है केकड़ा, इसको बोलते हैं केकड़ा, ये कोई नहीं देखता, बकरा नीचे आया, गधा है, घोड़ा है, इंसान है, ये उड़ाएगा। तो मैं बता रहा था राहिल के बारे में, तो राहिल भाई उम्मीद कर रहा हूँ आप मुझे देख रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा, आप यहीं पर मज़ा लें। ये देखो पहाड़ देखें ऐसे, देखा राहिल भाई को, सुन रही है कियो वाले, ये राहिल के लिए गाना है क्या? तो राहिल भाई की जगह इस दफा हमने आसिफ भाई को ले लिया, ये हमारे बुजुर्ग के भाई हैं, और ये हमारे बड़ंग साहब, ये भी आसिफ भाई हैं, वो राहिल भाई थे। और राहिल भाई हमें बहुत मजा आ रहा है, आपकी याद भी आ रही है, और काश आप होते तो और मजा आता, लेकिन आसिफ भाई ने आपकी कभी महसूस होने नहीं दी, हमारे को इतना एंजॉय कराया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आप नेक्स्ट ट्रिप में हमारे साथ होंगे। अच्छा तो गाइस, अभी पहले पहाड़ पे हम चढ़ने वाले हैं, और रास्ते कुछ इस तरह है, फुल ऑफ रोडिंग है, यहाँ से कोई बाइक वाइक का चक्कर नहीं है, सही है, सिर्फ तो सिर्फ पैदल का रास्ता है, ऐसा ही बिलाल भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई। और अभी बस हम लोग पहले पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं, जैसे यहाँ से हटेंगे ना तो ये पहली पहाड़ है, इसके ऊपर से कोई रास्ता होगा, वहाँ से आपको रास्ता कुछ ढूंढना है, कुछ जाना है, कोई मदद करने वाला नहीं है, सही है, अपनी मदद आपके तहत। ये पहली पहाड़ है, चढ़ चुके हैं हम लोग, पीछे आ रहे हैं दोस्त, और ये रास्ता है, रास्ता कुछ इस तरह है, देख लें आप, मतलब बिल्कुल एहतियात से, प्यार मोहब्बत से चलने का रास्ता है, कोई जल्दबाजी, कोई शोर शराबा रास्ता नहीं है। बाकी मैं आपको बैग का नज़ारा भी दिखा रहा हूँ, किस तरह देखो आते हैं, इस तरह आते हैं लाउती, और फिर कहलाते हैं लाउती, हम लाउती। ये रास्ते हैं, आपको बस दिखाना यही था कि वो कहते हैं ना टेढ़े मेढ़े रास्ते, वलीद क्या कहते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, लाउतियों के वास्ते यार, जो सुना है वो बोला। तो अभी आगे चलते हैं, दिखाते हैं भाई। अच्छा, हमारे तीन लड़के गायब हैं, ओ गुलसन, मुराद और रियान उर्फ शेखू। अच्छा, पहले पहाड़ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर टॉप पे, पहले पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, अब ये उतरने फिर दूसरा चढ़ना है। और खास बात, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा, मसलन पानी, जूस, जो ज़रूरत के होते हैं इंसान के, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और सेल्फ सर्विस है, यहाँ से खुद उठाओ, खुद पैसे रखो और निकलो।
भरोसा करके यहाँ पे इन लोगों ने रखा है। बलोचिस्तान है भाई, पानी उठाओ, पैसे रखो और जाओ। फ्री में उठाओगे तो अल्लाह आपको पूछेगा, क्योंकि जगह ही ऐसी है माशाल्लाह से। पीने का पानी नहीं है। बाकी ये कि इस तरह से उतर रहे हैं, ये उतरने की जगह है भाई, बिल्कुल ख्याल से उतरने। फिर अभी आपको आगे दिखाते हैं, दो तीन पहाड़ चढ़ के उतरेंगे, आगे का क्या अपडेट है बताएंगे। अच्छा गाइस, अभी का अपडेट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह तीन पहाड़ हमने क्रॉस कर चुके, चौथा अभी चौथा पहाड़ आने वाला है, बल्कि आ चुका है, ये चौथा पहाड़ है। और ये दो चार कड़े में जो आगे थे हमसे, इनको हमने पकड़ लिया है। और सीन ऐसा है कि अभी 8 बज रहे हैं, एक घंटा लगा हमें चौथे पहाड़ तक पहुंचने में, और अभी तक मौसम सही है। अभी हम चल रहे हैं आस्ते आस्ते, हल्की हल्की गर्मी लग रही है लेकिन सही है, काबिले बर्दाश्त है। बाकी ये अर्जेंट अचानक होटल आ गया भाई, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल एंजॉय। अच्छा ये वही रास्ता है तो कड़ाला बाबा की तरफ जाते हैं जी, वापसी में आएंगे दिखाएंगे। ठीक है ठीक है, फिर यहाँ से लाऊ से ओके, फिर वापसी में। और सबसे पहले लाइक करो, लाइक लाइक करो, लाइक कर लेंगे भाई, इतनी अच्छी वीडियो आ रही है। भाई आप कहाँ थे? अच्छा अभी पानी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना पाक साफ पानी है, नहर का पानी है। यहाँ से अब कितना भी गंदगी करे लेकिन ये खराब नहीं होता, क्योंकि चलता हुआ पानी है। ये आप देख सकते हैं पत्थर कितने साफ साफ नजर आ रहे हैं। खैर अभी चलते हैं आगे। नहीं भले 800 लोग आते हैं। अरे चार सौ आगे चलते हैं। नहीं नहीं भले वो आएंगे, जब तक यहाँ बैठ से थोड़ा सा सुकून से रिलैक्स कर, जब तक माहौल देखो माशाल्लाह से। अच्छा रास्ते में आपको ये रिप्लेसमेंट के आइटम मिलते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बैग वैग लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगा के आने है। बैग वगैरह लेके आओगे तक जाओगे ऑलरेडी, और नसवार बाइक वगैरह लेके आओ तो लेके आओ जो कहता है ये, ये। और ये देखो जब ये पानी लाओ, ये नहीं लाओगे आना नहीं होगा। और ये स्टरलाइजेशन का सामान भी हमारे साथ मौजूद है, उसका नाम क्या है? एंड सैनिटाइजर, वो जो नहीं हाथ पे लगाते हैं वही है, तो सैनिटाइजर है ना। ये आसिफ भाई कुछ कह रहे हैं, आसिफ भाई क्या कह रहे हैं? फिश फिश मच्छी फिश। हाँ सही मच्छियाँ हैं। अच्छा ये भी आ चुके हैं अभी, सही है। तीसरा पार्ट क्लास कर लिया हमने, बस चलेंगे भाई, बैठने का चक्कर नहीं है, टाइम कम है हमारे पास, मुकाबला सकते हैं, इसलिए बैठने का चक्कर नहीं है। नूरानी से हम लोग उठे हैं, नाश्ता किया है, लाइट नाश्ता, फिर चलते जा रहे हैं। और अभी चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड है, चलते रहेंगे, यहाँ पे तक जाएंगे, आपको अपडेट देंगे, जो भी होगा आप लोगों को बताएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है, बाकायदा हर एक अपडेट इसमें आपको हम दे रहे हैं। तो रास्ते कुछ इस तरह हैं, और मुकाबला सकते हैं, पैदल जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपको अपडेट देंगे क्या है क्या नहीं है बताएंगे। जब तक आप ये देखो, ये माशाल्लाह ये रास्ते हैं, और यहाँ में और लाउट हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो गाइज अभी अपडेट ये है कि टाइम 8:30 बज रहे हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से छठा पार, मतलब हाँ छठा है ना, अच्छा हाँ छठा पार क्रॉस कर चुके हैं। अभी ये कांटे वांटे लग रहे हैं, तो वालिद भाई भी थोड़ा थक चुका है, बहुत थक गए हो, बहुत ज़्यादा। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। ये देखो भाई अवेश भाई चिल्ला रहा है, कह रहे हैं अवेश, कह रहे हैं कि यहाँ से वो कोई भी आप बोलोगे तो आवाज़ आपकी रिटर्न आएगी, आवाज़ रिटर्न आएगी, आवाज दो जरा। याली तो भाई ये है रास्ता, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठे नहीं है भाई, हाँ सीरियस बात है। अभी ये देखो ये क्रॉस करना कितना मुश्किल है, खैर कोई मुश्किल नहीं है, इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल ऐसी बात है। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं, आपको अपडेट देंगे। हाँ थोड़ा गर्मी लग रही है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आगे जाके मुझे ये शर्ट उतारना पड़ेगा, सलवार क्यों उतारना पड़ेगा, अरे शर्ट उतारना पड़ेगा, दो शर्ट पहने मैंने, सुबह सर्दी ज्यादा थी इस वजह से। तो अभी आगे जाके देखते हैं, क्या पता उतारा क्या पता ना उतारा, खैर ये सब बर्दाश्त कर लूंगा, गर्मी नहीं।
शुरू से नहीं है। खैर ये देखे, अच्छा वो हमारे साथी है, देखे वहां तक पहुंचे हैं भाई, माशाल्लाह अल्लाह इनको हिम्मत दे। असल में मैं वलीद यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे वलीद के माशू के लिए तस्वीरें, ये कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है उसको मैंने तस्वीरें भेजनी है, इस वजह से मैंने इसकी तस्वीरें ली, फिर ये भेजेगा आगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे चप्पल लाउद लखन मकाम तक जाए। चप्पल धोखा दे दिया, चप्पल आधे रास्ते में धोखा दे देंगे, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अभी सुलभ सुलभ जा रहा हूँ। अच्छा चप्पल भी मेरे महफूज रहे और मैं भी। सही है सही है, नहीं मतलब नहीं है, चप्पल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे दराज से। यहाँ पे कहाँ से आए? आ जाएगा आ जाएगा, वलीद के तालुकात हैं बहुत, वलीद पे तालुकात है ना, एरोप्लेन से आएंगे जहाज मार से आएंगे। वो देखो अर्शद ऊपर जा रहे, हम तो वलीद की तस्वीर के लिए खड़े हुए थे यार, इस वजह से हमको लेट हो गया, लेकिन खैर हम लोग उन तक पहुँच जाएंगे, अभी मसला नहीं है। चौथे गेयर में डाल देंगे, तीसरे पे तुम, चौथे पे गुम, चौथे पे गुम पॉइंट मेरे ख्याल से इसके बाद लास्ट पार्ट वलीद, तो हिम्मत कर लेटिंग आनी है। अभी हम लोगों ने साथी तक पहुँचना, अरे यहीं पर खड़े हमें रेहान भाई, आपका कोई साथी पुश्त में नहीं है? कौन है अवे? तुम्हारे से बात नहीं हो रहा, पहले सांस ले लो, सांस ले लो, सांस तो तुम्हारे अंदर बसी है मेरी पागल, पहुंच के सुकून दे तुम लोगों। जाकिर भाई खुदा का कुदरत दिखाना, जिस रास्ते से हम आए ना वो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं यार कहाँ है, दिखाओ ये क्या है, इधर से आए। अबे फिर रास्ता नजर आ रहा है आपको भाई, इसकी चप्पल नहीं आ रहा है तो भाई हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने बैठ गए, रेस्ट नहीं करना, चलो 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 चलो। अरे तुमने पल्ली का है क्या यार, चलो चलो, तुम लोग जब से बैठे हम लोग अभी आए हैं यार, बस यही है भाई, लास्ट पार्ट भी आके थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, रेस्ट करने की वजह यही है कि थोड़ा सा स्टेमिना आ जाए, क्योंकि पहाड़ आपको पता चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन बिलाल तो रोजाना चढ़ता है, इसके लिए मुश्किल नहीं है। रोजाना चढ़ते नहीं हो? नहीं बस जहाज पर ही आते। नहीं नहीं अच्छा, चलो आप व्यू देखो बस, खुदा का कुदरत है, कैसा खूबसूरत निज़ाम बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमने एक चीज़ नोट किया यार, हम छः मतलब टोटल सात पहाड़ होते हैं यहाँ पे, तो हम लोग छः पहाड़ चढ़े थे बिल्कुल सही सलामत, और साथ में आके हम लोग यूँ बैठे हैं कि दो से आप सब बैठे होते हमने काम भी बैठ जाते हैं, जब बैठे फिर उठने का दिल नहीं कर रहा था, तो जब भी आप आएंगे बैठना नहीं है, हिम्मत नहीं हारने, हल्का सा नाश्ता करने, पानी नहीं पीने, बस निकलने। काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, वाह हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे हमने काला तो बोला नहीं, माशाल्लाह बहुत गोरे हो माशाल्लाह से, पैरा लवली आपका बहुत काम आ रहा है। वलीद भाई का भी फोन आने वाला है, वलीद भाई सबसे पहले आप किसको फोन करेंगे? कोई नहीं है इसका। किसी को फोन करेंगे अभी? हाँ फोन करने का दिल बहुत है लेकिन पैकेज नहीं, तो पैकेज खत्म हो गया यार, तो पैकेज मेरे कराना था ना आपको। नहीं पैकेज तो कराना था, पूरा नहीं आ पाता। अच्छा वलीद भाई एक मिनट रुको जरा, आप दुआ कर रहे थे रात को टूटा हुआ सितारा देख कर कि जल्द से जल्द आपको वो मिल जाए, तो अगर वो मिल जाएगी शादी हो जाए, शादी हो जाए फिर क्या करोगे आप? वाइफ के साथ हूँ मैं यहाँ। वाइफ के साथ आओगे फिर हमें छोड़ दोगे? हाँ ना फिर छोड़ दूंगा, इसने मन्नत किया रात को। अरे 1992 के मॉडल के नहीं है जो इनको पहाड़ों के ऊपर ले आओगे। हाँ ये 24 मॉडल है वो, 24 मॉडल। अच्छा इसने रात को आप सो रहे थे, इसने रोड में ही पंचर हो टूटता हुआ, टूटता हुआ सितारा देख के बोला था कि अच्छा सबने बोला कोई सी को मर्सिडीज चाहिए किसी को क्या चाहिए, इसने बोला अब अभी मेरी शादी हो जाए अगले दफा वाइफ के साथ आऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल आपकी शादी हो जाएगी, इंशाल्लाह भाभी के साथ आएंगे हम लोग। हाँ ये भी अच्छी जाएंगे थे। अरे एक तो यार तुम्हें तो समझाना मुश्किल है। खैर भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, मैं शर्ट उतार रहा हूँ आपको, सीधा आगे मिलते हैं, आगे शर्वर भी नहीं मिलेगा। तो बस ये पार उतर के हम लोग पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, आगे आपको बताएंगे। अभी फिर लाउ तो हमने मुकम्मल कर लिया है, बस एक पार उतरने वो बहुत आड़ है,
शायद मैं वहाँ पे वीडियो ना बनाऊँ, क्या हो सकता है कट हो के बना भी लूँ, तो बताते हैं आपको। अवैध भाई कोई अपडेट? अजब है इश्क यारा। वाह, पल दो पल की खुशियाँ। अरे ये तो आशिक लग रहे मुझे। गम के खजाने मिलती हैं फिर, मिलती है तन्हाइयाँ। बस अरे कभी आए कभी शिकवे कभी लाए तेरा चेहरा नजर। वाह, ये तो फुल मुझे आशिक लग रहा है भाई। ये भाई चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में तेरी याद करता हूं। ये आशिक नहीं है। हां तो कदर ने धोखा दिया। किसने? कदर ने। यार ऐसी बात नहीं है भाई। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। आशिक जान। खत्म 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 भाई। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से नीचे उतरते हैं, आपको मिलते हैं। सही है। अच्छा तो गाइस हम लोग अभी बस पहुंच चुके हैं, तो अभी पानी का और सब आ रहा होगा। तो अरे क्या है यार, तो अभी ये कि ये है दूध का पहाड़, मतलब यहाँ से दूध निकलता था। और ये आपको मंजर दिखाएंगे हम, वो जो मेन रास्ता जा रहे हैं, वो मेन हाईवे है ना जहाँ से हम लोग आए हैं। और ये नीचे है लाउद ला मकान का रास्ता है, यहाँ से सीधे स्ट्रेट जा रहे हैं, सीधे सीधे नीचे। काली काली जुल्फों पे। तो माशाल्लाह आप पानी देखें, ये पानी है और नीचे लाउद ला मकान है। गुलासन पंच नारे पंच तनी सवालक नारे। चलो भाई हम चलते हैं नीचे यार, जगह बहुत खतरनाक है ये। सबसे जो कहते हैं ना वो अपना रास्ता स्लिप है बहुत, क्योंकि सिंगे मरमर के वो हैं अपना, क्या कहते हैं ये जमीन, देखो स्लिप है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो बहुत कम बनाएंगे, बस नीचे जाएंगे, बहुत कम है मुकाबला सकते। अच्छा ये स्टेयर्स बने ऊपर जाने के लिए, फिर नीचे का आपको दिखाता हूँ। अच्छा अभी हम लोग उतर रहे हैं। भगवान के गाने यहाँ पे ये लोग गा रहे। अच्छा माशाल्लाह से आप व्यू देखें भाई, पानी नेचुरल वाटर फॉल, कैसे पानी आ रहा है। वलीद भाई आपको कैसा फील हो रहा है? थकन सारी खत्म हो गई ना? खत्म हो गई। देखो भाई अरे क्या है नागिन में ये शाह भाई। क्या है हम कहाँ आए नूरानी में आए शादी में। अच्छा ये है दूध, पहले भी पता है आपको, पहले दूध यहाँ से निकलता था तो लोगों ने इसको बेचना शुरू कर दिया, बंद हो गया। इस वजह से हुक्म दिया साईं ने और यहाँ पे ये सूख गया, ऐसा ही है। तो अभी ये व्यू है माशाल्लाह से। आसिफ भाई को दिखाओ। आसिफ भाई कहाँ है? आसिफ भाई तो नहीं है, वो गुलशन है वलीद। अच्छा वो नजर नहीं आ रहा ना बोला था। ये देखो भाई अभी चलते हैं यार नीचे, चलते हैं भाई बहुत हो गया यार, नीचे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं, आपको अपडेट करता चलूं। वली भाई रास्ते ऐसे हैं, रुको ऐसे आपको ऐसे उतरने अभी तो बने हुए हैं, अभी बने हैं पहले रास्ते नहीं देने। ये देखो भाई नीचे का रास्ता है और ये मुराद भाई देखो टाटा कर रहे हैं और माशाल्लाह से ये बड़ा वीआईपी। अभी चलते हैं नीचे बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर पहुँचते हैं देखते हैं। बड़ा खतरनाक रास्ता है, आपको शायद वीडियो में नहीं लग रहा होगा लेकिन है बहुत खतरनाक। तो वहाँ पहुँचते हैं भाई लाउड करके, फिर आपको मिलते हैं। पहले ये सीढ़ियाँ थी, हाँ यार ये वाली।
पहले ये वाली सीढ़ी थी ऐसे जाते थे ना ऐसे ऊपर, अभी इन लोगों ने ये बना दिया। भाई अभी बना कुछ बोला चाह रहे, मतलब क्या बोल रहे हो? जगह कैसी है? जगह और मेरा टिकटॉक वहाँ पे देख, गिरगिट फोत हो चुका है। गिरगिट है? हाँ गिरगिट है। रंग बदली हो रहा है? अबे मर चुका है। अरे जूमिंग जूमिंग फोकस, गिरगिट है। दुम चेक कर, ऑरेंज हो रहा है, माल्टा कलर। अच्छा ये कलर हो रहा है? ये कलर हो रहा है, ये कलर हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह। लाइक सब्सक्राइब शेयर, मेरा टिकटॉक का आईडी मेंशन। जरूर जरूर। आसिफ भाई पुराने पापी और पुराने लाउती है, सॉरी पुराने लाउती नहीं, लाउती है पुराना, तो इसने हमें रास्ता बताया। और भाई लाउतला मकान का लाइव मंजर माशाल्लाह से, और ये रास्ते अंदर जाने का। भाई मैं अंदर इस वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लेडीज कुछ ज़्यादा ही है अंदर, और अंदर अंधेरा बहुत होता है, तो अच्छी बात नहीं है यार। अभी ये भाई जा रहे हैं, इनको जाने दो, बाकी हम यहाँ बैठे इनके इंतजार करते हैं, फिर आते हैं, फिर निकलते हैं।